मदद की आवश्यकता है, मेरे पास कुछ नहीं, खाने का भी ठिकाना अभी तक बहुत। और इस मुहिम की शुरुआत हम लोग अब करते हैं भैया। नहीं, इस पर फोन पे चल रहा है, स्कैनर पर फोन पे चल जाएगा। प्रिंस झा लिख कर आ रहा है, मेघा कुमार। चलिए इस पर कुछ हम लोग जो है मदद कर कर, यदि 1,00,000 लोग 10-10 रुपया सहयोग करेंगे तो इनको 10,00,000 सहयोग मिल जाएगा। यहाँ 4 दिनों से हम नौटंकी देख रहे हैं, जितने बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका भरण पोषण कौन करेगा। छठ वाले दिन लखीसराय में जो घटना घटित हुई उससे पूरा बिहार शर्मसार है, और अभी तक 72 और 120 घंटा बीत जाने के बाद भी बिहार पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। सत्ता पक्ष के लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, तमाम लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और चले जा रहे हैं, और परिवार आज का आज भी वैसा का वैसा है, पीड़ित है, और कोई मदद जो है इनकी करने वाला नहीं है। अब इतना समझिए कि पीएमसीएच में जो परिवार भर्ती है उसका इलाज का भी जो है सरकार जो है वो दायित्व तो नहीं समझ रही है, और यही कारण है कि ये लोग परेशान है, हताश है। और आज दूसरी बार भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी लखीसराय आए हैं, दुर्गा झा के पीड़ित परिवार से मिले हैं और इनकी मदद भी कर रहे हैं, और साथ में समाज के जागरूक लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि इनकी मदद किया जाए ताकि इनका आगे का जीवन यापन हो सके। इनकी आर्थिक मदद होगी तभी ये आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, परिवार और संसार के बारे में और अपने बच्चों और परिवार के बारे में जो है वो अच्छे से बेहतर से सोच पाएंगे। सोचिए कि एक साथ 6 लोगों को गोली मारी गई, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो 3 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उसमें से उनके 6 बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। आशुतोष कुमार जी हैं, क्या करने आए? पहले भी आए थे, दूसरी बार भी आए हैं, और आज क्या करने आए हैं? आज हम लोग इनको मदद पहुंचाने के लिए आए हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप भी मदद कीजिए। सबसे बड़ी बात है रवि जी कि ये समझना, नहीं आशुतोष कुमार जी जीयर में पहुंचे, आशुतोष कुमार जी समाज में मदद करने का ठेका सत्ता शासन प्रशासन को छोड़कर अब आशुतोष कुमार ही उठाएंगे क्या? सत्ता अपना दायित्व नहीं समझेगा क्या? जो और राजनेता यहाँ के विधायक सांसद है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे क्या आशुतोष जी? नहीं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग तो राजनीति करने का ठेका लिए हुए है ना, यहाँ भी हम देख रहे हैं मदद कौन करे। यहाँ 4 दिनों से हम नौटंकी देख रहे हैं, जितने बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका भरण पोषण कौन करेगा? यहाँ हम 4 दिनों से नौटंकी देख रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं 1 रुपया का भी मदद किसी नेता ने, किसी सांसद विधायक ने नहीं किया, केवल आश्वासन दे रहे हैं और केवल राजनीतिक स्टेटमेंट। सत्ता पक्ष में जंगल राज चल रहा है, विपक्ष पक्ष वाला कह रहा है कि ये तो विपक्ष का नेता था, ये तो फलाने नेता के साथ में इनकी तस्वीर है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात ही नहीं हो सकती है कि जिस परिवार ने देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये बहन को देखिए, जिस परिवार ने अपने तीन परिवार को खोया है, जिन बच्चों ने अपने तीन परिवार को खोया है और 3 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं पीएमसीएच में, उनके इलाज के लिए भी पैसा इनके पास नहीं है, और कैसी बेशर्म सरकार है और कैसे बेशर्म नेता हैं, कैसे बेशर्म जनप्रतिनिधि हैं कि इनके इस हालत पे उनको तरस नहीं आ रही है। ये कोई मांग नहीं कर रहा है कि सरकार अपने कोष से इनको राहत पहुंचाए, ये कोई मांग नहीं कर रहा है कि सरकार जो अपराधी है, जो हत्यारा है, कैसे गिरफ्तार हो, प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं है। धरना प्रदर्शन क्या किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये तो फलाना आदमी के साथ में इसकी तस्वीर है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सत्ता पक्ष में जंगल राज आ गया। भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है कि इस परिवार की स्थिति, जो खैनी बेचकर गुजारा करते थे इनके पति, जो खैनी बेचकर गुजारा करते थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था अब तक। आज समझिए ट्विटर और यूट्यूब के जमाने में इनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, क्योंकि हैंड टू माउथ थे, रोज कमाते और खाते थे, बैंक किस लिए खाता रहेगा। जब मीडिया के साथियों ने बात की कल रात में, जब पता चला कि इनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमने कहा कि हम कल पहुंचते हैं, लेकिन आप बैंक अकाउंट पहले खुलवाइए। आप लोगों की मदद से ही इनका बैंक अकाउंट खुला है, 24 घंटे में वो एक्टिवेट होगा, लेकिन गूगल पे एक्टिवेट हो चुका है, और स्कैनर भी है, और इधर क्यूआर कोड है, ये QR कोड है, इस पर आप स्कैन करके जितनी आपकी यथास्थिति है, जितनी आपकी स्थिति है उतना इनकी मदद कर सकते हैं, 1 रुपया से लेकर 1,000 और 1,00,000, 1 करोड़ तक। हम तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, आप ही लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, हमें लगता है कि इस तरह की घटना बिहार में बहुत कम, 90 के दशक में सुनने को मिलता था कि नरसंहार हुआ है, और आज वापस आज के जमाने में समझ रहे, देखिए क्या स्थिति है। आप जितने भी लोगों ने पिछली बार ही मदद की थी, जीयर की आपने चर्चा की, जीयर में लगभग 17.5-18 लाख रुपया का सहयोग उनको मिला,
उसके बाद हम लोग महेशपुर भी गए थे शेखपुरा के, महेशपुर में भी लगभग 5-6 लाख रुपए का या जो भी उनको सहयोग मिला। अब हम चाहते हैं कि इस इन बच्चों की तरफ भी देखा जाए। आपके 100, 50, 200 या 1000 रुपए के सहयोग से आपका बहुत कुछ बिगड़ नहीं जाता है, लेकिन इनका बहुत कुछ बन जाएगा। बिल्कुल, इनका बहुत कुछ बन जाएगा। तो इनकी भी स्थिति ये है कि आप समझिए कि घर में जो एक खैनी बेचकर भी जो 2 वक्त की रोटी लाने वाले थे वो भी नहीं बचे हैं जी। तो अब इनका गुजारा कैसे होगा? इनके 2 बेटे थे, अब ये कह रही हैं कि हमारे 8 बच्चे हैं जी। और ये 8 बच्चों की जिम्मेवारी अब इनकी हो गई है, ये महिला क्या करेंगी? हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुँचे। ये पढ़ी लिखी महिला है, इनसे जो हमने बात की हमको लगा कि शिक्षित हैं, इनकी दक्षता के हिसाब से हो सकता है डिग्री कम हो, ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हैं, तो इनके ग्रेजुएशन के हिसाब से, इनकी दक्षता के हिसाब से सरकार को सबसे पहले तो इनको कोई ना कोई सरकारी संस्थान में इनको नौकरी देनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े। और हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम आज आ रहे हैं, कल आएंगे, परसों भूल जाएंगे, बिहार है, फिर नया मुद्दा आ जाएगा, फिर कहीं और हत्या हो जाएगी। 1 महीने में 15 हत्याएँ बिहार में हुई हैं, फिर कहीं और हो जाएगी, फिर वहाँ चले जाएंगे। अभी दोबारा हम लोग जीर तो नहीं गए, लेकिन सहयोग मिल गया 17-18 लाख, तो कम से कम आगे के लिए उनका भरण पोषण हो जाएगा। इसीलिए हम आप सबों से अपील कर रहे हैं कि जो बन पड़े, जो हो सके, इनको सहयोग कीजिए, ताकि इनके आने वाले ये गूगल पे नंबर है, एक बार हम चाहते हैं कि पढ़कर आप सबों को बता दें, और जितने भी लोग लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं वो सब लोग नोट कर लें। हम 2 बार पढ़ेंगे, 7857881044। फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं, गूगल पे नंबर है 7857881044। मेघा कुमारी लिखा हुआ आएगा, आपका नाम मेघा कुमारी? हाँ, मेरा नाम मेघा कुमारी। ये आपके ही जो पैसा लोग भेजेंगे वो आपके ही खाते में ना आएगा? हाँ, ये जो पैसा जितना सब भेजेंगे सब मेरे अकाउंट में आएगा, मेरे खाते में आएगा। मेरा नाम और, है मेघा कुमारी। और ये स्कैनर है, QR कोड है, इसको हम लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं अपने पेज से भी और भी जो लोग आए हुए हैं सबों के वीडियो में हम चाहेंगे कि इस स्कैनर को हम लोग उसमें लगाएं। और जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से लोग, किसी माध्यम से कीजिए, लेकिन आपके मदद की आवश्यकता है इस परिवार को। और सच में जो काम सरकारों को करना चाहिए था मदद का, वो अब हम लोगों को दायित्व निर्वाहन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोग जो है, जो अनाथ हुए हैं, इनका भविष्य जो है वो चौपट हो जाएगा। जो लोग कुछ बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना अधूरा रह जाएगा। और अगर इनके सपने को बरकरार रखना है, इनके सपने को आगे संजो कर रखना है, तो आप लोगों को मदद करना होगा, क्योंकि प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। क्योंकि 72 और 76 घंटा बीत जाने के बाद भी प्रशासन जो अपराधी को पकड़ नहीं पाया है। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया, फिर भी प्रशासन से जो अपराधी गिरफ्त से बाहर है। और शासन के लोग जिनको मदद करना चाहिए वो लोग मदद भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये दायित्व का निर्वहन अब हम लोगों का है, समाज के लोगों का है, बुद्धिजीवियों का है, कि इनके परिवार के लोगों में अगर खुशियां लाना है तो इनकी मदद करना होगा। और इसकी मुहिम जो है यहीं से शुरुआत होती है। आशुतोष भैया है और इस मुहिम की शुरुआत हो रही है, और ये बात जो है पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में जानी चाहिए कि बिहार के लखीसराय में नरसंहार हुआ, शासन और प्रशासन के लोगों ने कुछ नहीं किया, अपराधी को 72 घंटे बाद तक गिरफ्तार नहीं किया गया, और इसके बाद कोई नेता पहुंचता है और गूगल पे, फोन पे माध्यम से जो है लोगों से अपील करता है कि इनकी मदद किया जाए, ताकि इनका जीवन यापन हो सके। इनका ढंग का घर नहीं है, घर में ढंग का खाने का नहीं है, फिर भी ये लोग जो है आज मजबूर है। और उस मजबूरी का फायदा जो है शासन के लोग यहां पहुंचकर, प्रशासन के लोग पहुंचकर और राजनीतिक लोग पहुंचकर यहां पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। निवेदन कि इनकी मदद होनी चाहिए, ये मदद चाहे 1 रुपया से हो या 1,000 से हो या 1 लाख से हो, मदद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनको मदद की आवश्यकता है कि नहीं? आपको मदद की आवश्यकता? मदद की आवश्यकता है, मेरे पास कुछ नहीं, खाने का भी ठिकाना अभी तक। बहुत सारे नेता आए आपके यहाँ, कोई मदद के लिए ऐसे आया खड़ा हुआ? कोई नहीं, किसी का कोई मदद अभी तक। उम्मीद है आपको? हमको जनता लोग से उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है, मीडिया लोग से उम्मीद है, और अभी तक तो कोई, जितना भी आए सब कभी अभी तक कोई मदद नहीं किए हैं। कितने बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ गया है? 8 बच्चे हैं, जिसमें 6 बच्चे का सर से पिता का साया उठ गया। एक माँ जो है पटना PMCS में एल्बेस्टर पे जिंदगी मौत की जंग जूझ रही है, पता नहीं वो भी घूम के आएगी या नहीं। और एक माँ है वो भी पटना में एडमिट है, एक ससुर जी वो भी पटना में ही एडमिट है। 20 तारीख को सुबह 7 बजे
मुझे ये घटना हुई, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, आज 23 तारीख है, 23 भी बीत गया है, अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्या लगता है गिरफ्तार होगा या फिर सब लीपा पोती चल रहा है? ये प्रशासन सब लीपा पोती कर रहा है। मेरी जो सासू माँ जितना FIR दर्ज करवाए, जिसका जिसका नाम दिया गया, सब बंदा ऐसे घूम रहा, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जो FIR लिखवाया गया उस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया, वो FIR को भी हटा दिया गया है। अगर सच में दया के आंसू है और दया के जो है अश्रु है, आपके आंखों में दया की भावना है, तो सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को यहाँ पर आना चाहिए और इनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। जब आशुतोष कुमार कुछ नहीं होते हुए भी आकर यहाँ पर इनकी मदद के लिए गुहार लगा सकते हैं, तो बिहार के अन्य नेता और सत्ता पक्ष के तमाम नेता क्यों नहीं आ सकते? ये नेता यहाँ पर आकर बयानबाजी कर सकते, मीडियाबाजी कर सकते हैं, तो लोग मदद क्यों नहीं कर सकते? सोचने का विषय है। उम्मीद है कि आशुतोष कुमार जी जैसे आकर यहाँ पर मदद करके लोगों से अपील कर रहे हैं, वैसे लोगों को लोग यहाँ पर आएंगे और भी नेता आएंगे और राजनीति से ऊपर उठकर इस परिवार की मदद करेंगे। और इस मुहिम की शुरुआत हम लोग अब करते हैं भैया, बिल्कुल मुहिम की शुरुआत होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोगों को ना लगे कि नहीं, इस पर फोन पे चल रहा है, स्कैनर पर फोन पे चल जाएगा। प्रिंस झा लिखकर आ रहा है, मेघा कुमारी, स्कैनर पे आप फोन पे पेटीएम UPI किसी के माध्यम से, लेकिन जो नंबर है वो अभी गूगल पे से ही काम करेगा। चलिए इस पर कुछ हम लोग जो है मदद कर कर जो है ये मदद करके हम लोग इसकी जो है निर्वाहन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि और लोग भी मदद करें। क्या भैया, कोई ये ना कहे कि हम लोग बोल दिए और जो लोग हैं वो नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लाख रुपया और करोड़ रुपया सहयोग कीजिए। यदि 1 लाख लोग 10-10 रुपया सहयोग करेंगे तो इनको 10 लाख सहयोग मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे छोटे छोटे सहयोग से ऐसे इस तरह के लोगों का आगे का भरण पोषण हो जाएगा, इन बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, इन बच्चियों की आगे के समय में शादी की, ये जिम्मेवारी है सरकार से। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, इनके दक्षता के हिसाब से इनको नौकरी मिले, इनको जगह मिले, ताकि आगे आने वाले समय में इनको किसी का मुँह न देखना पड़े। लेकिन जो अभी रवैया है इससे उम्मीद बहुत कम लगता है, फिर भी हम लोग मांग अपने तरफ से सरकार से रख रहे हैं कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। चलिए जो है यहाँ पर आशुतोष भैया पहुँचे थे और इन्होंने भी मदद की है और मदद की अपील भी लोगों से की है।